तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीवन चौधरी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट करा हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एवरीवन। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, एक और नया अपकमिंग IPO होने वाला है, जिसका नाम है टेक एरा इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का IPO। तो इसमें हम पूरा रिव्यू करेंगे, ये कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, और इससे फिर हम एक आईडिया लगाएंगे कि इसको हम अप्लाई करें या ना करें। करेंगे तो हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से करेंगे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सब कुछ मैं अपना ओपिनियन भी इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करना, बाकी लाइक जरूर करना। इससे मोटिवेशन मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना ना भूलना। सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया, सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना ना भूलना। तो दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको IPO का नाम तो बताया है, इसका नाम है टेक एरा इंजीनियर लिमिटेड का IPO। ये बेसिकली कंपनी लगभग 2018 में कंपनी लगभग इनक्रॉप हुई थी, और वैसे भी लगभग अभी कंपनी को ज़्यादा अपने मतलब सेक्टर में ज़्यादा इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लगभग 5-6 साल पुरानी कंपनी हम इससे कह सकते हैं। अगर बात करते हैं ये करती क्या, ये एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे हाई प्रेशर से जो जो कंपोनेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे एयर के हो गए, या बड़ी बड़ी जो मतलब वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उसमें जो हाई प्रेशर पाइप लगते हैं, या उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का ये वर्क करती है। और अपने सेक्टर में भी तो कंपनी को लगभग 5 साल का भी, 5-6 साल ही कंपनी को हुए, तो अभी ये स्मॉल कैप कंपनी जो कि तो अपना आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है, उसके रिगार्डिंग ये IPO लेकर आई हुई है। और बात करें तो कंपनी को भी लगभग अब IUS से भी सर्टिफिकेट कंपनी को मिल चुका है। और कंपनी में लगभग अभी जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, लगभग 177 फुल टाइम इस समय भी एम्प्लॉय के वर्क करते दिख रहे हैं। बाकी कंपनी जो कंपोनेंट्स है उसके रिकॉर्डिंग बनाती है, बहुत छोटे 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 कंपोनेंट्स भी बनाती है और बड़े कंपोनेंट्स बनाती है। और हाई प्रेशर्स में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो हाई प्रेशर्स मतलब वो एयर कंडीशन एयर होता है, यानी एयरप्लेन होता है, उसके पे भी ये कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। छोटे से लेकर बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है। जैसा कि इसका नाम तो भी आपको पता चल चुका है, टेक एरा इंजीनियर। तो अगर मैं कंपनी के अगर फाइनेंशियल की ओर आपकी ओर आपको मतलब बताऊं, तो कंपनी ने फाइनेंशियल में लगभग एक डिप देखने के लिए मिला था, और कंपनी का भी लगभग ज़्यादा इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है। अभी लगभग कंपनी को 5-6 साल ही अपने सेक्टर में हुआ है, तो कंपनी की लगभग ग्रोथ भी थोड़ी इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। अगर हम 2023 से लेकर 2024 का डाटा देखे जाएँ, तो जो एसेट्स में है लगभग इसमें डिप देखने के लिए मिली थी, लगभग 1.5-2%, 2% तक हम से डिप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर कंपनी ने रेवेन्यू हमें जो बना के दिया है, थोड़ा बहुत बना के दिया है, क्योंकि अभी कंपनी को ज़्यादा अपना वर्क में ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, और अभी अभी भी लगभग कंपनी 5-6 साल ही कंपनी को हुए हैं। और अगर कंपनी का हम प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग जो 2022 यानी 2022 में तो लॉस मेकिंग में था, पर अब कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स थोड़ा इंक्रीज करा है। और कंपनी का जो नेटवर्थ है, कंपनी थोड़ा अब कंपनी ने इंक्रीज़ करते हुए दिख रहा है। लगभग नेटवर्थ कंपनी का जो है वो ई बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी कंपनी भी थोड़ा थोड़ा अपने जो पैसे मांग रही है, कुछ कंपनी इसलिए मांग रही है, थोड़ा कंपनी को अपना मतलब जो एसेट्स हैं वो कंपनी थोड़े बहुत जन मशीनरी खरीदनी कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी थोड़ा बहुत पैसा मांगते हुए हमें दिख रही है। बाकी कंपनी के जो जो मेन जो वो हैं शेयर होल्डर्स हैं, तो लगभग 68% तक आई थिंक जो IPO से पहले थे। IPO के बाद लगभग 52% तक की शेयर होल्डिंग रहने वाली है, तो एक स्मॉल कंपनी के लिए ठीक ठाक नहीं माना जाता। और अभी जब अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, तो कंपनी की रिजर्व सभी अभी लगभग रिजर्व भी लगभग लास्ट सेकेंड ईयर में तो लगभग लॉस था कंपनी, अब थोड़ा बहुत रिजर्व हमें देखने के लिए कंपनी का मिल रहा है। और टोटल अगर हम कंपनी की बोरिंग की बात करें, तो कंपनी के पास जो टोटल बोरिंग है वो लगभग कंपनी को लगभग 14% तक की कंपनी को अभी टोटल बोरिंग देखने के लिए मिली है।
तो बाकी कंपनी थोड़ा अपना आपको एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए पैसा मांग रही है, और कंपनी के थोड़े मशीनरी भी कंपनी को परचेज करनी है, उसके लिए थोड़ा कंपनी पैसा मांगते हुए हमें दिख रही है। और जिस समय में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका GMP, जिस समय अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय इसका GMP 10 रुपये चल रहा है। कितना चल रहा है एवरीवन? 10 रुपये चल रहा है। बाकी दोस्तों GMP एक अंदाज़ा होता है, इस अंदाज़ा मान के ही चलिए। इसका लेटेस्ट आपको अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलता रहता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, मेक श्योर आप वहीं से ज्वाइन करिए। इधर उधर से ज्वाइन करोगे तो आप इसमें फ्रॉड का शिकार बन सकते हो। और अगर मैं कंपनी की जो बात करूँ तो कंपनी का जो IPO मैंने बताया आपको 25 तारीख को ये ओपन होते हुए दिखेगा और ये 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट वीडियो का भी आगे बता दूंगा। कंपनी ने जो अपना फेस वैल्यू रखा है लगभग 10 रुपये पर कंपनी ने जो अपना फेस वैल्यू रखा है, और कंपनी ने जो मतलब प्राइस बैंड है लगभग 82 का कट ऑफ रखा है प्राइस, और कंपनी का जो लॉट साइज है लगभग 1600 रुपये पर लॉट साइज है। कंपनी ने जो कप इशू करे लगभग 35 करोड़ यानी 36 करोड़ हम इसे कह सकते हैं कंपनी ने जो इशू करे हैं, और लगभग पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा। जो कंपनी अपने थोड़ा वर्क को एक्सपेंड करेगी उसके लिए थोड़ा बहुत ये पैसा मांग रही है। लिस्टिंग डेट की लिस्टिंग की बात करें तो ये लगभग NSE के सेक्टर में लिस्ट होगा, वो भी SME वाला है यानी स्मॉल कैप का, आपको पता ही है। और अगर हम इसकी ROE की बात करते हैं यानी कंपनी ने ROE में लगभग लास्ट 6 ईयर्स में जो कंपनी इनक्रप्ट होने के बाद लगभग इन्होंने लगभग अपनी वैल्यू जो है 15% से ऊपर तक लेकर आ गई, जो कि प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ वैल्यूज में, यानी ROE तो लगभग प्लस पॉइंट में हम कह सकते हैं। इसका ROC की बात करते हैं रिटर्न ऑफ जो कैपिटल एम्प्लॉय है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए, जो कि एक प्लस पॉइंट हमें कह सकते हैं। बाकी कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ तो ज़्यादा इतना है नहीं, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है और लगभग 1% से कम है, तो ये हम ऑल द ठीक हम किसे कह सकते हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं, पर ऐसे बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि एक बढ़िया के लिए होता है 0.5 हो उसके रिकॉर्डिंग और नीचे हो, मतलब से वो हो तो थोड़ा सही मान जाता है। बाकी R1W भी आपको लगभग 30% है, ये सही है। तो मैं बात करूँ तो अगर इसकी वैल्यू से लगभग मुझे थोड़ा बहुत वैल्यू से थोड़ा बहुत सही लगा कंपनी। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कंपनी का जो IPO ओपन होगा लगभग आपको 25 तारीख को मैंने बताया ओपन होगा, क्लोज जो होगा 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बेसिक जो लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी लगभग 30 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगी। कहाँ पर अलॉटमेंट चेक करना है, किस वेबसाइट पर करना, उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर रिफंड की बात करें तो लगभग आपको 1 अक्टूबर को रिफंड भी वापसी मिल जाएगा। जो डीमेट अकाउंट शेयर्स में क्रेडिट होंगे वो भी 1 तारीख को आपको क्रेडिट होते हुए दिख जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो लगभग 3 तारीख को आपको लिस्ट हो जाएगा, वो भी NSE के सेक्टर में आपको बताया मैंने। और बाकी कट ऑफ जो टाइम है कम शाम शाम को आप अप्लाई कर सकते हो, लगभग 27 तारीख को आप शाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करूँ तो कंपनी का जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो दोस्तों अब मैंने इसमें वे तो दोस्तों अगर आपने वीडियो आज तक देखी, नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करना, बाकी शेयर इस वीडियो को करना, जो इस वीडियो IPO के मतलब इस IPO से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो अब मैं इसमें अपना ओपिनियन देने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के साथ थी, आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है, अब मैं पहले इसकी पॉजिटिव की ओर लेकर चलूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको नेगेटिव की ओर लेकर चलूँगा। पॉजिटिव्स ये लगे कि कंपनी का सेक्टर बढ़िया लगा, कंपोनेंट्स बनाती है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये सेक्टर मुझे सही लगा। और अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूँ तो कंपनी के नेगेटिव्स ये है कि आप इसकी कंपनी के जो जब लगभग अपने उसको एक्सपीरियंस नहीं हो इस कंपनी को, अपने सेक्टर में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था, 5-6 साल पुरानी कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी, तो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लग रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी थोड़े स्ट्रॉन्ग देखने के लिए नहीं मिले कंपनी ने, लगभग अभी लगभग वन ईयर्स कंपनी ने जो लगभग 1 साल पहले कंपनी ने 2024 से ही कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना शुरू करा है कंपनी ने, तो अभी स्मॉल कैम कंपनी है और थोड़ा कंपनी ने अभी 1 ईयर लगभग 5 ईयर्स में कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला, लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट देखने के लिए मिला थोड़ा बहुत। तो फाइनेंशियली तो थोड़ी वीक देखने की लगी, वैल्यूज कंपनी की वजह सही है, वैल्यूज कंपनी ने सही लगाई अपनी, पर थोड़ा बहुत ये रिस्क लग रहा है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि अभी कंपनी के लगभग 1 ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट करा है और थोड़ा इनका लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो कंपनी को कोई पता नहीं है कि कंपनी कैसे जा सकती है। तो दोस्तों मैं तो इसको अवॉइड करने की सोच रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को कमेंट जरूर करना और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आपको सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना।
ना भूलना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर आना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नया अपकमिंग IPO आपके लिए। दोस्तों एक बात बताऊँ तो आपके लिए बहुत सारी एक नई नई अच्छी वीडियोस आने वाली है। और जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स सब कुछ हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हम आपको क्योंकि आपको कोई भी कॉन्टेंट या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत जल्दी हमके लिए सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, बाकी शेयर इस वीडियो को जरूर करना। जो जो इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं वो अपना रीज़न बता सकते हो कि क्यों करने वाले और नहीं करने वाले उसका रीज़न भी, और अपना फीडबैक देना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।